माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों को भी जान से खतरा दिखाई दे रहा है। लखनऊ की जेल में बंद उमर अहमद और नैनी जेल में बंद अली अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की। दलील है कि कचहरी में आने से उनकी जान को खतरा है, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी कराई जाए। कोर्ट ने याचियों को खतरे के संबंध में विश्वसनीय सबूत पेश करने को कहा है। उमर की याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है, जबकि अली की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ सुनवाई कर रही है। इनकी पैरवी करने वाले वकील विजय मिश्रा स्वयं जेल पहुंच चुके हैं। हालांकि जेल जाने से पहले विजय मिश्रा 12 जुलाई को दोनों भाइयों के डरने के पीछे सबूत हलफनामे के साथ अदालत में दे गए थे। एसटीएफ के लखनऊ से विजय मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज देने के बाद मामले की सुनवाई लगातार टल रही है। याचिका कई बार सूचीबद्ध हो चुकी है। इस हफ्ते भी दोनों की याचिकाएं लगातार 2 दिन सूचीबद्ध हुई हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान अतीक के दोनों बेटों को जान का खतरा बताने की आशंका के पीछे कोर्ट ने ठोस आधार बताते हुए बेहतर हलफनामा देने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने दलील दी कि माफिया के बेटों की याचिका काल्पनिक भय पर आधारित है। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि काल्पनिक आधार पर राज्य सरकार को सुरक्षा का आदेश नहीं दे सकते, याचिका को विश्वसनीय सबूत दाखिल करने होंगे।